हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस को कहते हैं बेटा वाक्य का सही क्रम। जो देखेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा कि किसी वाक्य में अलग अलग शब्दों को क्रमानुसार लगाकर एक उचित वाक्य बना देना ही रीऑर्डरिंग कहलाता है। वाक्य में अलग अलग शब्द दिए गए हो तो उनको क्रमानुसार लगा देना ही क्या कहलाएगा, रीऑर्डरिंग। जैसे कर्ता कहीं हो, क्रिया कहीं हो, कर्म कहीं हो, तो उनको क्रमबद्ध रख देना ही क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग। तो फर्स्ट रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल कहता है यदि कोई साधारण वाक्य दिया हो, यानी कि मतलब साधारण वाक्य दिया हो तो उसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो देखो आपका जो बोर्ड में आएगा इस तरीके से आएगा, जैसे वाक्य में लिखा है, पहला एग्जांपल है फोर सक्सेस शुड वर्क हार्ड वी। तो देखिएगा इसमें बेटा कर्ता कहीं है, हेल्पिंग वर्ब कहीं है, मेन वर्ब कहीं पर है, ऑब्जेक्ट कहीं पर है, तो इसको क्रम में रखेंगे। तो देखो पहला वाक्य बेटा वी शुड वर्क हार्ड सक्सेस फॉर, गलत है क्योंकि वी दिया है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्क हार्ड सही है। अब फोर सक्सेस होना था, गलत हो गया। दूसरा वाक्य देखिए वर्क हार्ड मेन वर्ब पहले दे दी तो भी ये गलत है। तीसरा वाक्य देखिए सक्सेस पहले दे दिया, गलत है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा वी, फिर क्या बेटा हेल्पिंग वर्ब छोड़, फिर क्या मेन वर्ब वर्क हार्ड, फिर क्या बेटा ऑब्जेक्ट, फोर्थ सक्सेस। तो कौन सा वाक्य सही है बेटा, आपका चौथा, डी नंबर का है। अगला नंबर एग्जांपल देखेंगे, आगरा मोहन टू वेंट यस्टरडे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है बेटा मोहन, तो पहले वाक्य में मोहन दिया गया, फिर आना चाहिए मेन वर्ब वेंट, तो वेंट है नहीं, टू वेंट दिया गया, गलत हो गया। दूसरा वाक्य बेटा आगरा, आगरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी गलत हो गया। तीसरा वाक्य देखो, पहले हमने लिखा सब्जेक्ट मोहन, मोहन के बाद मेन वर्ब है वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो हमारा कौन सा वाक्य सही बेटा, तीसरा। सेकंड रूल देखेंगे, सेकंड रूल कहता है यदि किसी वाक्य में टू या फोर शब्द दिया हो तो सबसे पहले निर्जीव कर्म और फिर टू या फोर के बाद सजीव कर्म लिखते हैं। तो सूत्र देख लेते हैं, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म आप लोग जानते ही होंगे, सजीव कर्म जान होती है, निर्जीव कर्म में जान नहीं होती। सजीव कर्म बेटा बहुत है, एक सुनिएगा जैसे मी अस हिम हर देम, ये सजीव कर्म होते हैं, यू भी होता है। तो देखें इसका सूत्र बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा निर्जीव कर्म, फिर लिखेंगे टू या फोर, टू या फोर के बाद प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है सजीव कर्म प्लस फुल स्टॉप। तो देखें ए बुक गेव टू मोहन हिम, तो ए बुक बेटा हमारा है निर्जीव कर्म, गेव मेन वर्ब है, टू फिर मोहन सब्जेक्ट है, हिम सजीव कर्म है। तो हम देख लेते हैं मोहन गेव बुक ए टू हिम, गलत हो गया क्योंकि ए बुक होना था, तो मोहन गेव ए बुक हिम टू, ये भी गलत हो गया। तो मोहन गेव ए बुक टू हिम, तो कौन सा वाक्य सही बेटा, तीसरा। तो आगे देखते हैं, थर्ड रूल देखेंगे, यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और कर्म दिया हो तो क्या होता है, तब हम उसकी रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे। तो उसका सूत्र होगा बेटा एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखते हैं रेगुलरली मेडिसिन टेक, तो टेक हमारी मेन वर्ब है, मेडिसिन ऑब्जेक्ट रेगुलरली ऑब मेडिसिन ऑब्जेक्ट रेगुलरली अन्य शब्द है। तो देखते हैं, तो हमारा सूत्र क्या है, सबसे पहले मेन वर्ब, मेन वर्ब टेक लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट
रेगुलरली ऑब्जेक्ट नहीं है, मेडिसिन है, तो पहला वाक्य क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा वाक्य देखें, बी रेगुलरली पहले लिखा हुआ है, मेडिसिन टेक, दूसरा भी गलत हो गया। तो सबसे पहले एम बी की फर्स्ट वन, तो टेक, फिर बेटा ऑब्जेक्ट मेडिसिन, फिर अन्य शब्द रेगुलरली, तो कौन सा वाक्य सही बेटा, तीसरा। अगला रूल देखेंगे चौथा, यदि किसी वाक्य में प्लीज सर मैडम काइंडली शब्द दिए हो तो सूत्र होता है बेटा इनका, प्लीज माने होती है बेटा कृपया, सर माने श्रीमान जी, मैडम एक विशेष महिला होती है, काइंडली कृपा करके, इनकी हिंदी ये होती है, तो हमारा सूत्र बेटा प्लीज सर मैडम काइंडली, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप। तो देखें, मी समथिंग टू ईट प्लीज गिव, तो सबसे पहले हम लगाएंगे प्लीज, फिर हमारी मेन वर्ब गिव, मी समथिंग टू ईट, ये वाला वाक्य बेटा बोर्ड में कई बार आया है, तो हमारा वाक्य दूसरा देखें, प्लीज गिव मी टू ईट समथिंग, गिव मी समथिंग टू ईट प्लीज, समथिंग टू ईट प्लीज गिव मी, तो वाक्य बेटा आपके नीचे के जो तीनों हैं वो गलत हैं, तो वाक्य आपका सही है प्लीज माने कृपया, गिव माने दीजिए, मी माने मुझे, समथिंग माने कुछ, टू ईट माने खाने के लिए, तो आपका पहला ए वाला सही है। पांचवा नंबर देखेंगे बेटा, रूल आपका क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में लेट शब्द दिया हो, लेट माने होता है बेटा दो, दिया हो तो क्या सूत्र होता है, पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप। इसमें बेटा दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव ऑब्जेक्ट मैंने बताया था मी, अस, हिम, देम, यू, ये सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हमने लेट ए पेन गिव मी ये वाक्य दिया गया, तो सबसे पहले हम सूत्र में देखेंगे, लेट लिखा हुआ है तो लेट आ गया, फिर क्या बेटा ऑब्जेक्ट सजीव वाला, मी आना चाहिए तो यहाँ ए पेन है, तो गलत हो गया। दूसरा वाक्य देखेंगे, लेट मी, लेट के बाद मी है सजीव है, फिर मेन वर्ब गिव ए पेन, तो तीसरा वाक्य आपका क्या, दूसरा वाक्य जो है आपका क्या बेटा बिल्कुल सही है, ए पेन लेट मी गिव ये भी गलत है, मी लेट ए पेन गिव ये भी गलत है, तो आपका कौन सा वाक्य सही बेटा दूसरा। शो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी आगे आने वाली वीडियो समय पर पहुंच जाए।